मोदी से टक्कर लेने के लिए विपक्ष को मिला चेहरा। कौन है वो नेता जिसके सिर विपक्ष बांधे का सहरा? आखिर राजभर किसे मोदी से लड़ाने की कर रहे बात? क्या टूट जाएगा ममता नीतीश राहुल का सपना? ...2024 की सियासी जंग के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि उसके पास चुनावी मैदान में उतरने के लिए एक मजबूत चेहरा है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, जिनके दम पर बीजेपी लगातार दो बार देश की सत्ता हासिल कर चुकी है और कई राज्यों में भी सरकार बना चुकी है। ऐसे में इसमें कोई भी संदेह नहीं कि मोदी ही 2024 के चुनाव में भी बीजेपी का मुख्य चेहरा होंगे। लेकिन बात जब विपक्ष की आती है तो उस खेमे में एक अनार 100 बीमार जैसी स्थिति है, क्योंकि हर दूसरा नेता प्रधानमंत्री उम्मीदवार ही नजर आता है। तो वहीं अब मोदी से टक्कर लेने के लिए कैसे चेहरे पर विपक्ष को दांव लगाने की सलाह दी जा रही है, जिसकी पार्टी को नरेंद्र मोदी ने खाता तक नहीं खोलने दिया था। दरअसल साल 2014 के बाद जब जब देश में चुनाव आता है, हर बार मोदी को हराने के लिए गठबंधन और मोर्चे बनते रहे हैं, लेकिन ये मोर्चे और गठबंधन हर बार मोदी के आगे धराशायी हो जाते हैं, मगर फिर भी विपक्ष है कि मानता नहीं। इसलिए साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार मोदी के खिलाफ तमाम विपक्षी पार्टियां विपक्षी एकता बनाने में जुटी हुई है। यहां तक कि कांग्रेस, सपा, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, आरजेडी जैसी 15-16 पार्टियों को जुटाकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार विपक्षी एकता की एक बैठक भी कर चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर मोदी के खिलाफ बन रहे इस विपक्षी एकता का चेहरा कौन होगा जो मोदी से टक्कर लेगा, क्योंकि इस विपक्षी एकता में ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, राहुल गांधी जैसे नेताओं का नाम प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर उछलता ही रहता है, लेकिन किसी एक नाम पर अब तक सहमति नहीं बन सकी है। ऐसे में अब योगी सरकार में मंत्री रह चुके सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष को एक ऐसा नाम सुझाया है जिसके दम पर विपक्ष यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का दावा ठोक सकता है, और ये नाम है यूपी के 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी बीएसपी सुप्रीमो मायावती का। दरअसल सबसे ज्यादा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ कोई सबसे बड़ी पार्टी है तो वो है मायावती की बहुजन समाज पार्टी, जिसके पास इस वक्त 9 सांसद हैं। लेकिन इसके बावजूद बिहार में हुई विपक्षी एकता की महाबैठक में मायावती को ही नहीं बुलाया गया। बस यही बात लगता है ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को रास नहीं आ रही है और वो लगातार मायावती के लिए आवाज उठा रहे हैं। इस बार तो उन्होंने मोदी के खिलाफ प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर मायावती को सबसे बड़ा चेहरा बता दिया और लगे हाथ विपक्ष से भी अपील कर दी कि मायावती को ही विपक्ष का प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया जाए। देखिए, बीएसपी मायावती जी कुशल शासक रही हैं, 13 प्रांतों में उनकी पार्टी का जनाधार है, देश में एक बड़ा चेहरा है। विपक्ष को चाहिए कि मायावती जी को प्रधानमंत्री का चेहरा मान करके उनको मना लें। जब तक उनको साथ नहीं लेंगे, आप देख लीजिएगा, यहाँ चाहे ममता जी आ जाए, चाहे केसीआर जी आ जाए, चाहे लालू जी आ जाए, चाहे कोई आ जाए, यूपी में कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर है तो पश्चिम में जयंत चौधरी जी का मतलब है, पूर्व में अगर मतलब है तो ओम प्रकाश राजभर का मतलब है, पूरे प्रदेश में 80 लोकसभा सीट पर अगर मतलब है तो बहुजन समाज पार्टी का मतलब है। इन तीनों के बगैर उत्तर प्रदेश का विपक्षी एकता बेकार। ओम प्रकाश राजभर जिस तरह से मायावती को मोदी के खिलाफ सबसे बड़ा विपक्षी चेहरा बता रहे हैं और विपक्ष से भी मायावती को प्रधानमंत्री चेहरे के रूप में मानने की अपील कर रहे हैं, लेकिन लगता नहीं कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, राहुल गांधी जैसे नेताओं का क्या होगा, जिन्हें पिछले कुछ सालों से उनके समर्थक प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बता रहे हैं। ऐसे में राजभर के इस प्लान पर विपक्षी एकता वाली पार्टियां राजी होंगी, इस बात की कम ही उम्मीद है। तो वहीं दूसरी तरफ एक बात और आपको याद दिला दे, ये वही मायावती है जिनकी पार्टी बीएसपी के साल 2014 के लोकसभा चुनाव में ऐसी हालत हो गई थी कि यूपी के 80 में से एक भी सीट इन्हें नसीब नहीं हुई थी, यानी खाता तक नहीं खुला था। वो तो भला हो समाजवादी पार्टी का, जिसने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी को रोकने के लिए बीएसपी से हाथ मिला लिया, जिसकी वजह से 0 सीट वाली बीएसपी किसी तरह से 10 सीटें जीतने में कामयाब हो सकी थी और सपा तो महज 5 सीटों पर ही सिमट गई थी। ऐसे में क्या आपको लगता है कि मायावती को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाकर विपक्षी पार्टियां मोदी को हरा पाएंगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।